आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज फ्राइड राइस। इसके लिए उबला हुआ चावल, पका हुआ चावल, प्याज, गाजर, फ्रोजन मटर, फ्रोजन स्वीट कॉर्न, टमाटो कटा हुआ, हॉट रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, कटा हुआ बीन्स और कैप्सिकम। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक गैस में एक बर्तन रख चुकी हूँ, उसमें तेल डालेंगे। अभी इसमें जाएगा कटी हुई प्याज, इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें थोड़ा लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट जाएगा, ये अच्छे से भून लेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए। अभी कुछ डालने वाली हूँ मैं, इसीलिए बहुत मज़े का बनता है ये। आप चाहे तो ओवरनाइट बचा हुआ चावल, रात में पका हुआ चावल भी इसमें ऐड कर सकते हो। अभी इसमें जाएगा कटा हुआ बीन। आप चाहे तो आपके पास जो वेजिटेबल है वो डाल सकते हैं, मेरे पास ये था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। इसके बाद ये गाजर जाएगा, थोड़ा क्रंची रहना चाहिए, ज़्यादा गलना नहीं ये वेजिटेबल। इसमें जाएगा टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा ज़्यादा नमक, चावल में ही रहता है नमक, चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। अभी इसमें थोड़ा जाएगा थोड़ा गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें जाएगा ये फ्रोजन वाला मटर और कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये भी जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये, हेल्दी भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी इसमें जाएगा
ये शिमला मिर्च, आपके पास ग्रीन है तो वो भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में जाएगा सोया सॉस, थोड़ा थोड़ा सा एक चम्मच सोया सॉस। अब इसी में जाएगा रेड चिल्ली सॉस, अब इसमें जाएगा टोमेटो सॉस, अब इसमें जाएगा टोमेटो सॉस, ये दो चम्मच डाल रही हूँ मैं, दो स्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा कुक होने के लिए छोड़ देंगे इसको, थोड़ा ढक्कन लगा के इसको 5-6 मिनट तक इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी ओपन करके देखेंगे, पक चुका है। अब आप इसी स्टेज में नमक कम या ज्यादा कर सकते हो, तेज भी। मैं इसमें हरा मिर्ची नहीं डाली, हरी मिर्ची को काट के नहीं डाली, सिर्फ मिर्ची का आटा ही डाली हूँ। इसमें जाएगा ये कसूरी मेथी, आप चाहे तो डालो वरना नहीं। इसको ऐसे हथेली में रख के डालें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें इस उबला हुआ चावल को डालेंगे, पका हुआ चावल को। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। अब इसी में जाएगा ये धनिया, हरा धनिया। अभी इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसको 1-5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। अभी ढक्कन हटाकर देखेंगे, अभी ये आधा कटा हुआ नींबू का रस डालेंगे इसमें। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे 2 मिनट तक मिक्स करके। अब इसको गैस को बंद कर देंगे, आपको निकाल कर बता दें। पक चुका है, आप देख सकते हो। डिश आउट कर चुकी हूँ,
आपके सामने। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मजे का बना हुआ हेल्दी नाश्ता ब्रेकफास्ट है ये, आप इसे झटपट बना सकते हो। आप भी खाइए, बनाइए, खाइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आप भी ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।